हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज मैं पिक अ कार्ड कर रही हूँ, ठीक है, एंड इंट्यूटिव मैसेजेस पे बेस्ड मैं करूँगी। आज का टॉपिक है आपका प्रेजेंट सिचुएशन, जिस चीज़ के साथ आप सबकॉन्शियसली फाइट कर रहे हो, ठीक है, और ये एक विजन बेस्ड होगा, ठीक है। मुझे एक विजन मिला, मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, मैंने उसको डीकोड किया है आप लोग के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप चुनोगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास आज, पर पहले विजन, ठीक है। नाउ विजन ये है कि पहले मैंने एक बंदे को देखा, ठीक है, एकदम एंजल जैसा दिख रहा था, इनोसेंट, बहुत ही कन्विंसिंग, बहुत ही प्यारा किस्म का एक आदमी था, जो देखने में एक एंजल जैसा लग रहा था, यू नो, सफ़ेद कपड़ों में एंड ऑल दैट। और वो एक छोटे से बच्चे के पास गया, ठीक है ना, और वो उसे एक खिलौना दिखाने लगा, एक बॉक्स था, ठीक है, और इसने कहा कि इसमें खिलौना है, समथिंग वेरी अमेजिंग, इसमें एक बहुत बढ़िया सा एक खिलौना है। तो बच्चा देख करके खुश हो गया कि वाओ, क्या ये मेरे लिए है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तुम्हारे लिए है। तो वो गिफ्ट उन्होंने आगे कर दिया, बच्चे ने उस गिफ्ट को हाथ में रिसीव किया एंड वो ऑलमोस्ट खोलने ही वाला था, जब उस आदमी ने उसके हाथ से वो गिफ्ट छीन लिया, ठीक है। एंड ही वॉज लाइक, अगर तुम्हें ये गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें मेरा कोई काम करना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चा वॉज लाइक, अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना होगा। और उसने बच्चे से अपना मन चाहा, जो भी वो करवाना चाहता था उसने करवा दिया, ठीक है। इनफैक्ट उसने कहा कि आगे और गिफ्ट्स तुम्हें मिलने वाले, ठीक है ना। बच्चा बहुत खुश हो गया, तो जो भी काम उसे दिया गया वो कर लिया, एक के बाद एक वो काम करता चला गया। एंड एंड ऑफ द डे उस आदमी ने रिवॉर्ड के तौर पे, ठीक है, प्राइस के तौर पे उसे वो गिफ्ट हैंडओवर कर दिया एंड वहाँ से गायब हो गया। नाउ बच्चे ने उस गिफ्ट को ओपन किया, ठीक है, उसने उस गिफ्ट को बाहर निकाला और उसमें से एक खिलौना निकला जो टूटा हुआ था। बच्चा बहुत दुखी कि ये क्या, ये खिलौना तो टूटा हुआ है, मैंने इतना सारा काम किया, ठीक है, और उसने पूरे लगन से उसने काम किया था, ठीक है ना। जैसे जैसे उस आदमी ने कहता चला गया, वो वैसे वैसे वो काम, जैसे जैसे उस आदमी ने लाइक कमांड करता चला गया, वैसे वैसे उसने अपनी पूरी जान लगा दी उन सारे कामों को पूरा करने के लिए। और जब उस आदमी का अपने प्रॉमिस को पूरा करने का बात आया, तो उसके काम में तो कोई लाइक बच्चे के काम में तो कोई कमी थी नहीं, पर उसके उस गिफ्ट में कमी रह गई, ठीक है ना। एंड बच्चा रोने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि उसे जो प्रॉमिस किया गया था वो एक ठग था, ठीक है। नाउ इस विजन के बेसिस पे अब आप पाइल्स चूज करोगे, ठीक है, 4 पाइल 1, 2, 3, 4 चूज करो। इस सिचुएशन के बेसिस पे आप लोगों का इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रहा है, लाइक स्पेशली सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ों से आप बैटल कर रहे हो, ये उसके ऊपर बेस्ड होगा। पॉज कर लो वीडियो अगर चाहिए तो, ठीक है, और मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, तो यू आर एक्चुअली फोकस्ड ऑन द पर्सन जिसने आपको ठगा है,
ठीक है, आप याद कर रहे हो इस वक्त, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप कभी ऐसे एक पर्सन से मिले थे, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा मजिशियन था, वो डिसेप्शन में माहिर था, ठीक है, उसका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना, उसे ये भी पता था कि उसे आपको कैसे मनाना है, ठीक है ना। ये जो उन्होंने ऑफ़र दिया था, ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, एक कोर्स हो सकता है, एडुकेशनल कोर्स हो सकता है, जिसे आपको कहा गया था ये कोर्स कर लो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, पर फिर आप पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू रियलाइज़ कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, राइट। उन्हें आपके इनोसेंस के बारे में पता था, उन्हें आपके एम्बिशंस के बारे में पता था, कि उन्हें लगा था, उन्हें पता था कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो ये कोई बिजनेस ऑफर हो सकता था कि बेटा तुम मुझे ये काम करने में हेल्प कर, एंड लास्ट मोमेंट में आप देखते हो कि बिजनेस, वो जगह, सब कुछ एक्चुअली उनके नाम पे है और उन्होंने आपसे सारे काम करवा लिए और आपको दिया कुछ भी नहीं। ये कोई डिमोशन भी हो सकता है, इट्स लाइक उन्होंने लिटरली अपने लिए आपको यूज़ किया एंड आपके हाथ कुछ टूटे फूटे चीज़ें, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, प्रॉब्लम उन्होंने आपको नौकरी ऑफ़र किया, जहाँ पर बात पार्टनरशिप की हुई थी, बिजनेस पार्टनरशिप की, उन्होंने आपको नौकरी ऑफ़र किया अब जब उनका जगह तैयार हो चुका था, ठीक है ना। सो यू रियलाइज कि आप मैनिपुलेट हो चुके और ये पर्सन एक सुपर ट्रिक्स्टर रहा, वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। एंड इसके साथ साथ एक रियलाइजेशन आपको ये भी हो आता है कि उसने आप ही को क्यों चुना, वो किसी और से भी तो ये काम करवा सकता था, शायद उसने अपने लाइफ के बाकी सारे चीज़ों में वो अलग अलग लोगों को चुनता है। आप क्लोजली इस पर्सन को एग्जामिन करोगे, ठीक है ना, प्रॉब्ली इस घटना के वजह से आप इतने अपसेट हो गए कि आप देखना नहीं चाहते थे, बट अब आप एक स्टेबल जगह पे हो, ठीक है, एंड यूनिवर्स लिटरली आपको शो करेंगे कि आप अकेले नहीं हो जैसे इस पर्सन ने ठगा, वो अपने लाइफ के सारे काम बेस्ट से बेस्ट लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करके ही करवाता है, ताकि उसे एंड ऑफ द डे बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके और बदले में उसे कुछ देना भी ना पड़े, ठीक है ना। नाउ आपके पास एक चॉइस आएगा इसके बाद कि क्या आप इस पर्सन की तरह एक मैनिपुलेटर बन जाओगे, क्योंकि इसने आपको जख्मी किया, तो क्या आप उसी की तरह दूसरों को ठगने लग जाओगे ये सोच के कि दुनिया तो ऐसी ही है, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को फ्लश करना चाहते हो, लाइक इसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हो, और इसी के बेसिस पे यूनिवर्स आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। अगर आप एक ठग बनना चाहते हो इसी की तरह, इसके पागलपंती में आप उलझ जाते हो एंड आप खुद भी ऐसे ही बन जाते हो, यू बिकम हु यू हेट द मोस्ट, तो आप वही बनोगे, ठीक है। पर अगर आप जस्टिस की मांग करते हो, न्याय की मांग करते हो और सेइंग कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था और मैं इस पर्सन को पकड़वाना चाहता हूँ या पकड़वाना चाहती हूँ ताकि आगे से वो किसी और को ठग ना सके, अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो और आप अपने पावर का सही से इस्तेमाल करना चुनते हो, तो यूनिवर्स एक्चुअली हाथों हाथ आपको सबूत दे देंगे ताकि आप इस पर्सन को कोर्ट लेके जा सको, लाइक लिटरली। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि शायद आपने जल्दबाजी में केस तो कर दिया है, पर आपके पास एक्चुअली कोई सबूत नहीं है जहां पर आप प्रूफ कर सको कि इसने आपको ठगा है, तो इस दौरान, इस टाइम के दौरान, आई एम हियरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी में, आपके हाथ कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग, स्पेसिफिकली मुझे
रिकॉर्डिंग्स मिले, ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली इस पर्सन ने आपको और दूसरे लोगों को प्रॉमिस किया था, ठीक है, या ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको इस रिकॉर्डिंग को पाने में हेल्प करेंगे। इट्स लाइक ये पर्सन इतना सिक है ना, ये जब लोगों को ठगता है, ये एक्चुअली अपने खुद के कर्मों को ना रिकॉर्ड करता है ताकि वो बैठ के बाद में मजाक उड़ा सके कि हाँ ये मैंने किया है। सो वो एक्चुअली इस चीज़ को लेकर के बहुत प्राउड फील करता है कि हाँ देखो मैंने इन लोगों को ठगा है। तो वो रिकॉर्डिंग आपके हाथ में लग जाएगा, या फिर आप ही की तरफ जिसे उसने ठगा था वो पर्सन एज अ विटनेस, उनके पास कोई प्रूफ है, ठीक है, एंड वो आपको उस प्रूफ को देंगे और खुद भी विटनेस बॉक्स में आएंगे, जिसकी वजह से केस आप जीत जाओगे। इट्स गोन गो इन टू योर फेवर, ठीक है ना। सो लेट्स गो फॉर पाइल नंबर टू ना, ठीक है ना, जिन्होंने पाइल नंबर टू को चुना है। ओके, पाइल नंबर टू अगर आपने चुना है तो इट्स द गिफ्ट, द डिसेप्शन इट्सेल्फ, ठीक है ना। ये क्या था? झूठ। ये कोई झूठा वादा हो सकता है जो आपको दिया गया था, एक झूठा सपना आपको दिखाया गया था जो पहले से ही डेस्टिन था कि ये कभी फुलफिल नहीं होगा। तो कोई आपको प्रॉमिस कर सकता है कि हम इंगेजमेंट करेंगे, शादी करेंगे, बट उन्होंने किया नहीं, दे बैक्ड आउट द लास्ट टाइम मोमेंट, ठीक है। ये गिफ्ट टूटा हुआ था, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स योर ब्रोकन ड्रीम्स, ठीक है ना, जो उम्मीदों से भर करके आपने वो सपने देखे थे उसके टूटे हुए हिस्से आपके आँखों में चुभ रहा था बहुत लंबे समय तक। इस इंसिडेंट से आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत, आई से 99.9% ही आपको इफेक्ट कर गया, ठीक है, और आपका नज़रिया बदल दिया। पहले अगर आप दुनिया को आई डोंट नो ग्रीन देखते थे, अब आप उसे रेड देख रहे हो, क्योंकि इस टूटे हुए सपने, इन झूठ का जो इफेक्ट आप पर हुआ ना, ये आपको अंदर से हिला करके रख दिया था, ठीक है ना। आपने भरोसा किया था, आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया था उस सिचुएशन में, ठीक है ना। नाउ आपके पास भी एक चॉइस यहाँ पर आएगा कि आप इस टूटे हुए सपनों को अपने आप को तीता बनाने में आप अलाउ करोगे, या फिर कुछ वक्त शोक मनाने के बाद आप आगे चल के अपने इस एक्सपीरियंस को अपने आप को स्मार्ट एनअप करने के लिए यूज़ करोगे। क्या ये आप इस सोच के साथ जियोगे कि पूरी दुनिया ऐसी है, सब ऐसे ही है, और अपने अगले पर्सन को आप हर्ट कर बैठोगे, या फिर एक पर्सन के वजह से आप दूसरों को हर्ट होने नहीं दोगे, ये आपका चॉइस होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यू विल रियलाइज कि आप ही की तरह जिसके सपने टूटे थे, इस पर्सन ने अगर किसी और का भी दिल तोड़ा था, लाइक आपसे पहले उसका जो एक्स था, ठीक है, या फिर आपके बाद उसने जिसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व किया, ये पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे जस्ट टू गेट सम क्लैरिटी ऑन द सिचुएशन, और वो आपसे मदद भी मांगेंगे। अगर वो आपसे मदद मांग रहे, तो आई एम लिटरली गेसिंग कि ये आपके बाद जिसे ठगेंगे ये आएंगे आपके पास, ठीक है, जो अभी अभी जिसे चोट लगा है एंड उन्हें नहीं पता कि अपने आप को हील कैसे करना है। प्रॉब्ली आप अपने आप को हील कर चुके हो इस सिचुएशन से, और आपने अपने आप को तीता बनने नहीं दिया, ठीक है ना, एंड आप इस पूरे एक्सपीरियंस को अपने आप को ग्रो अप करने में आपने इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो ये पर्सन, ये नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे एंड वो आपसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि वो अपनी मदद कैसे करे। ना ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि पहले तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, ठीक है ना, इस ट्रिक्स्टर ने आपको धोखा दिया था, और प्रॉब्ली इस नए पर्सन की वजह से वो आपको छोड़ के गए थे।
तो अपना ये सारा गुस्सा एक साइड में रख के ये समझना कि कभी आप भी इस नए पर्सन के जगह पे थे, ठीक है ना। और इसमें आप दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है, बल्कि गलती सिर्फ उस ट्रिक्स्टर का है। और यू एक्चुअली हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप एक गुरु का या एक टीचर का स्थान ले करके, या एक एंजल, एक रियल एंजल, ये बंदा एंजल के जैसे बन करके आपके लाइफ में आया था, राइट। आप इसे बहुत इनोसेंट एंड लविंग देख रहे थे, आप भरोसा कर रहे थे, पर वो एक्चुअली शैतान निकला, ठीक है ना। बट आपके पास एक मौका होगा कि आप इस नए पर्सन के लाइफ में एक्चुअल एंजल होता कैसे है, इसका एक लिविंग प्रूफ बन सकते हो, ठीक है ना। सो देखा जाए, आपके पास दो चॉइसेस होंगे, एक अपने आप को हील करने का या नहीं करने का, एंड दो, क्या आप इस नए पर्सन को हेल्प करोगे अपने सारे गुस्से नाराज़गी को एक साइड में रख के, ये जानते हुए भी कि आपके पर्सन ने इसी के साथ आप कंपीट करवाया था। क्या आप एक अंडरस्टैंडिंग होल्ड कर सकते हो कि शायद ये लड़की कभी ईगो में थी और उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये सोच कर। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जो साइलेंटली पीठ पीछे इस बंदे के साथ मिल करके आपको धोखा दे रही थी, ठीक है ना, और उसे बहुत मज़ा आ रहा था कि आपको नहीं पता और आपका बंदा या आपकी बंदी आपके पीठ पीछे इसके साथ अफेयर करा, एंड उसने फाइनली आपके जगह उसे चुना, ठीक है। बट अब क्योंकि वो उसी जगह पर आप पहुंची है या आप पहुंचा है जहां पर पहले आप हुआ करते थे, उस टूटे हुए सपनों के साथ, आँखों में चुपता हुआ सिचुएशन में, उसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी और वो आएंगे आपसे मदद मांगने के लिए, ओके। दैट बी पाइल नंबर टू। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर थ्री के लिए क्या है। ओके, पाइल नंबर थ्री अगर आपने चूज़ किया है तो इट इज़ अबाउट यू, आप वो छोटा सा बेबी वर्जन, वो आप, ठीक है, आपका इनोसेंट साइड। आप गिफ्ट ओपन करने के बाद आप अपने आप से नफरत करने लग जाते, ठीक है, इट्स लाइक यू हेट योर सेल्फ कि क्यों मैंने अपने साथ ऐसे होने दिया। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा वो सारा गुस्सा कहीं ना कहीं आज भी आपको हॉन्ट कर रहा है बॉस, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा ना जैसे कि ये बार बार करके रिप्ले हो रहा है और आप अपने आप को इस चीज़ से मुक्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपने आप को क्षमा ही नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा आपसे, ठीक है ना। और आपके लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में ये अभी भी कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रहा है। रात को सो नहीं पा रहे हो, मुझे ये करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था पर मैंने किया, आई डिड नॉट डू व्हाट आई वाज सपोज टू, ठीक है, कितना अच्छा होता अगर मैंने नहीं किया होता, क्या ज़रूरत थी मुझे लालच करने की या शॉर्टकट में पैसे कमाने की, या फिर यू नो आई, इट माइट बी अ लॉट ऑफ सिचुएशन फॉर यू गाइस, जो मैं कर रहा था मैं वही करता रहता, क्या ज़रूरत था मुझे उसकी बात सुनने की, दिस माइट बी अ लॉट ऑफ सिचुएशन प्लेइंग फॉर यू, ठीक है ना। आप बस अपने आप को किसी चीज़ को लेकर के बड़ा बीटअप कर रहे हो, ठीक है, और वो अभी तक, वो सज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इट्स मोर लाइक एक स्पिरिचुअल जेल में आप बंद हो, मेंटली इम्प्रेजेंट हो चुकी हो, ठीक है, हालांकि इनोसेंट आप थे, ठीक है, बट फिर भी द फैक्ट कि आपने अपने आप को ऐसे सिचुएशन से गुजरने दिया, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आप इंसान हो और आपसे भी भूल हो सकती है, ठीक है। आपका खुद का ईगो आपको एक एक मेंटल इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया है, ठीक है, जिसके वजह से आप घुमा फिरा करके दिन में दो बार तीन बार करके उसी बात पे, उसी इंसान को लेकर के आप सोच में खो जाते, उसी एक इंसिडेंट में जाके अटक जाते, ठीक है। इनफैक्ट आपके बाहर भी बहुत सारे वॉइसेस है जो आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या ज़रूरत था तुझे वो करने का, मैंने मना किया था ना, क्या ज़रूरत था तुझे आने का, ठीक है ना। इट्स हॉन्टिंग यू, आपको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि अगर किसी को इस बारे में पता चले तो कहीं लोग आपको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट ना कर दें,
कि ये क्या है, कैसी बेवकूफ़ी भरी काम कर दिया तुमने, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने इतना लालच है, ये है वो है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम धोखा दे सकते हो, तुम्हारे पास जो था, दिस इज़ मोर लाइक आपके पास जो था कहीं ना कहीं आपको वो काफ़ी नहीं लग रहा था, आप और चाहते थे या कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, और मुँह की गिर गए, ठीक है ना, एंड नाउ यू हेट योर सेल्फ। तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का डर भी लग रहा है, ये बातें आपको हॉन्ट भी कर रहा है कि अगर किसी को पता चल गया कि लोगों के सामने बड़ी बदनामी हो जाएगी। इट्स अ वेरी हॉन्टिंग काइंड ऑफ एन एनर्जी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। आप अपने आप को भी बीट अप कर रहे हो और दूसरों के क्रिटिसिज्म से भी आपको डर लग रहा है, ठीक है ना। सो यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट इट समहाउ, आप छुपा करके रखना चाहते हो, पर अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बातें ज़्यादा दिनों तक छुपेगी नहीं। इस लाइक आपने कुछ किया, अब वो फेल हो गया है, अब आप नहीं चाहते हो किसी को इस बारे में पता चले, पर आपको ये भी पता है कि कभी ना कभी ये बाहर आएगा। तो द फैक्ट कि ये कभी ना कभी बाहर आ सकता है, ये बात आपको परेशान कर रही है। हालांकि हो सकता है कि कोई भी इस बात में पत्ता भी ना दे, आप जिन लोगों के सोच या बातों से इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि वो बोलेंगे, हो सकता है कि वो बोलेंगे ही नहीं, या फिर उनके पास आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए उनके पास समय ही ना बचे। बट देन आपको इतनी अपनी इमेज की परी हुई है दैट यू आर स्केयर्ड, इट्स हॉन्टिंग यू, ठीक है ना। नाउ आपको एक नया रियलाइजेशन होगा इस टाइम पे कि अगर आप ये ऑफर नहीं भी लेते, नाउ ये आपके लिए मुक्ति का द्वार खोलेगा, दिस इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू। अब आप रियलाइज करोगे कि अगर आपने ये ऑफर नहीं भी लिया होता ना, तब भी आपको बुरा फील करवाया जाता। इट्स लाइक ये जो बंदा है या बंदी है जो सबको ठग रहा था, आपको स्पेसिफिकली उसने ठगा था, तो अगर वो आपको नहीं ठग पाते ना, तो आपके आसपास वालों को वो कुछ ना कुछ दे करके वो मेक श्योर करते कि इन सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ हो, और वो आपको दिखा करके आपको बुरा फील करवाए, सेइंग कि तुझे ये ऑफ़र ले लेना चाहिए था, देखा तूने नहीं लिया, हम लोग कितने बेहतर जगह पर हैं, ठीक है तू भी ले लेता था तो हमारे साथ होता, पर तूने लिया नहीं है सो तू पीछे छूट गया। तो बुरा आपको हर हाल में फील कराया जाता। नाउ यू विल कम इन टू दिस एक्सेप्टेंस कि सिंस अगर ये ऑफर अगर मैं नहीं लेता या मैं नहीं लेती, तब भी मुझे हमेशा ये बात परेशान करता कि अगर लिया होता तो, व्हाट इफ लिया होता तो वो भी मुझे परेशान ही करता रहे, सो व्हाट इफ मुझे परेशान करता। तो एटलीस्ट अब जब मैंने ये ऑफ़र ले लिया है, आई माइट एज़ वेल टेक इट एज अ लेसन। तो आप फाइनली एक एक्सेप्टिंग एनर्जी में आओगे जहाँ पर आप इसे एज अ सबक लोगे, ताकि इंसान की बेहतर पहचान आप कर सको, ठीक है ना। आगे से अगर कोई आपको ऐसे कोई ऑफ़र दे, तो आप उस इंसान की परख प्रॉपरली कर सको, एंड फट से किसी के ऊपर भरोसा ना करो, और अपने एक्साइटमेंट को, अपने लालच को, या जल्दी जल्दी चीज़ों को फिनिश करने के इस बिहेवियर को आप अपने ऊपर हावी ना होने दो, फट से दूसरों की बातों में नहीं आने दोगे आप। सो यू टेक दिस इज़ गोइंग टू बी योर चॉइस, योर रियलाइजेशन एंड योर चॉइस कि बुरा तो हर हाल में फील होना था, अगर नहीं भी लेता तब भी ये आदमी या ये औरत जो अपने आप को बड़ा एंजल दिखा रहा है, ठीक है, ये मेरे सामने शायद मेरे किसी दोस्त को ये ऑफ़र दे देता, ठीक है, और मुझे बुरा फील करवाता, मुझे एज अ फेलियर फील कराता, और अब जब मैंने ले लिया है तब भी ये फेलियर ही है, तो दोनों हिस्सों में लॉस लिखा हुआ था। तो आई माइट एज वेल बी हैप्पी कि मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया, एटलीस्ट मुझे पता है कि इस ऑफ़र में कुछ रखा हुआ नहीं था, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता ना, तो शायद पूरी ज़िंदगी
अफसोस करता है। इट्स लाइक आपको किसी ने शादी का ऑफ़र दिया, एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, आप किसी से मिले, आपको वो पसंद आए, ठीक है, एंड आपने इंगेजमेंट कर ली, शादी भी कर ली, आपको ये पर्सन बहुत अच्छा लगा, एंड शादी के कुछ वक्त बाद आप रियलाइज़ करते हो कि ये पर्सन जैसे अपने आप को शो कर रहे थे वो वैसे है नहीं, ये असली रंग बाद में दिखा रहे आपको, ठीक है ना। पहले पहले आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत परेशान हो बिकॉज़ आप वहाँ से अब निकल नहीं पा रहे हो, इट्स बीन अ स्ट्रगल फॉर यू, बट नाउ यू आर लाइक एटलीस्ट मुझे पता है कि ये ऑफ़र लेने के बाद मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता तो शायद पूरी ज़िंदगी अफसोस करता कि अगर मैंने उसका ऑफ़र ले लिया होता तो, अगर वो मेरा हस्बैंड या मेरी बीवी बनती तो लाइफ कैसी होती, ठीक है ना। सो आपका ये बेट लेना भी इट वॉज पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान, क्योंकि आपके अंदर कुछ टॉक्सिक ऐसी एनर्जीज थी जिसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट ईगो, लालच, सेल्फ हेट्रेड, ठीक है, वैलिडेशन ढूंढना दूसरों की, लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान, ये सारी चीज़ें आप में हमेशा से थी, ठीक है, और इस एक्सपीरियंस के ज़रिए ही आपने आप इसे रिलीज़ कर रहे हो। सो ये एक्चुअली आपके लिए एक ब्लेसिंग वाला सिचुएशन प्रूफ हुआ है, और आप इसी रियलाइजेशन के साथ इस पूरे हादसे से उभर पाओ। हाँ, मैं आपकी शादी को हादसा कह रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 4 जिन्होंने चुना है, नाउ पाइल नंबर 4 हर कोई नहीं चुनेगा, मैं जानती हूँ ये बहुत ही कम लोग यहाँ पर चुनने वाले हो, बिकॉज पाइल नंबर 4 एक्चुअली एक इनविजिबल पर्सन का है। ये आप उन लोगों में से हो जिसने वो गिफ्ट रिसीव कराई नहीं है, जब वो आदमी सामने से आया एंजल बन के, सफ़ेद कपड़े में, फॉल्स विंग्स लगा करके आपको जब गिफ्ट ऑफर किया, आपने वो गिफ्ट रिसीव ही नहीं करा, यू सेड नो आई डोंट वांट इट, ठीक है ना। एंड उससे क्या हुआ कि ये पर्सन बहुत बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, वेरी ऑफेंडेड, आपके अंदर कुछ कह रहा था पूरा वक्त कि हाँ ठीक है, अगर वो गुस्सा भी होते हैं ना, पहले ये पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ठगने की पूरा कोशिश करते हैं, बट समथिंग इनसाइड ऑफ यू वाज सेइंग कि नहीं, मुझे ये ऑफ़र नहीं लेना चाहिए, एंड आपने एक्चुअली अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, यू हर्ड योर इंट्यूशन, योर इन अ वॉइस, एंड यू वर लाइक आई जस्ट वॉक आउट, मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे पास है ये सफिशिएंट है, ठीक है ना। बट समथिंग अबाउट दैट पर्सन, आपको ना सही नहीं लग रहा था आपको, देर वॉज समथिंग अबाउट द गिफ्ट, द पर्सन, उसका जो वाइब्रेशन था ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, हालांकि आप बहुत यंग थे, आप बहुत इनोसेंट थे, एंड इस पर्सन ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, उसे लगा था वो आपको बाकियों की तरह आपको लालच देंगे, आप ले लोगे, बट आपने लिया नहीं, ठीक है ना। इसके चलते एक वेव ऑफ हेट्रेड क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस आदमी ने मेड श्योर किया कि आपको बहुत बुरा फील हो, अफसोस फील हो कि तूने कुछ बहुत ही बड़ा खो दिया, उसने जानबूझ के आपके किसी करीबी को यही ऑफर दे दिया, एंड यू आर वेरी अपसेट नाउ। आपका जो अपसेट फीलिंग आ रहा था वो इसलिए नहीं आ रहा था कि आपने वो गिफ्ट रिसीव नहीं किया, पर इसलिए आ रहा था क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये गिफ्ट ना खोखला है, एंड आपने आपके ये जो भी करीबी फ्रेंड है या व्हाटएवर, आपने इसे वॉर्न भी करने की कोशिश किया, और इसे लगा कि शायद आप अपने अफसोस में अब जेलस हो रहे हो, और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। इट माइट बी सम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है, जो किसी का ऑफ़र रिसीव कर रहे थे, एंड यू टोल्ड देम कि ये लड़की जो है ना
ये प्ले गर्ल है या ये बंदा जो है ना ये प्ले बॉय है, इससे बच के रही हो, ठीक है ना। पर उसे लगा कि ओ वो तेरे जगह मुझे अब ऑफर कर रहा है, मुझे प्यार जता रहा है, मुझे अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, इसलिए अब तुझे जेलस फील हो रहा है। तू अपना यू नो टर्न खो चुका है, खो चुकी है, उसने तुझे भी कहा था बट यू लॉस्ट योर टर्न, नाउ लेट मी बी हैप्पी, ठीक है ना। बट देन यू न्यू, आपको एक्चुअली कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि एक्सक्यूज मी आगे चल के बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बाद में आप बहुत खुश भी हुए, एक्चुअली बहुत खुश हुए क्योंकि आप ठगने से बच गए। बाद में जब इन्हीं लोगों के सिचुएशंस को आपने देखा ना कि कैसे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे या उन्होंने जो चॉइसेस अपने लाइफ में, उन्होंने जो एक से बढ़कर एक चुतियापा से भरे स्कैमिंग डिसीशंस उन्होंने लिया, आप जानते थे कहीं ना कहीं वो खुद अपने आप को स्कैम करें, ये शॉर्टकट में पैसे कमाना, हाँ, और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके जैसे तैसे करके अपने अकाउंट्स को भरना एंड ऐसे बिना किसी को परखे किसी के लव ऑफर को एक्सेप्ट करना और फट से शादी में इन्वॉल्व हो जाना एंड ऑल, जो भी सिचुएशन से आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आप थोड़ा सा खुश हो गए इस बात से कि चलो आप तो बच गए, ठीक है ना, आपका कहा एक्चुअली सच हो गया। बट देन आपको थैंक यू बोलने की जगह ये लोग आपसे नफरत करते हैं, ठीक है ना। इस आदमी ने मेक श्योर किया था कि पहले दिन से ये आपके अपनों के दिमाग में ये बात बैठा दे कि आप उनसे जलेस हो। आप जहाँ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पूरी तरीके से बातों को ट्विस्ट करके आपको विलन शो करने की कोशिश की, ठीक है ना। ये आदमी एक्चुअली आपसे बहुत डरता था क्योंकि आप एक लौते थे जो इसके इंटेंशन के आर पार देख पा रहे थे और इसे कहीं ना कहीं पता था कि अपनी दोस्ती को निभाने के लिए या अपने फैमिली का यूनिट लाइक फैमिली का मेंबर होने के नाते आप अपनों को बचाने की कोशिश ज़रूर करोगे और इसे डर था कि कहीं इसका प्लान ख़राब ना हो जाए। तो ये बार बार करके ना सबको आपके खिलाफ कर रहे थे ताकि इसका प्लान डिस्टर्ब ना हो एंड ये अपने स्टूपिडिटी में इतना ज़्यादा खो गए कि उन्हें एक्चुअली उनका सेवियर नज़र नहीं आ रहा था। उनका सेवियर आप थे, एक्चुअली एंजल आप थे जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो दिखावे में खो गए, वो आपके इंटेंशंस को नहीं समझ पाए, ठीक है ना। अब ये लोग जब ये इट्स लाइक अभी नवंबर दिसंबर आई हर्ड अक्टूबर नवंबर सितंबर से लेकर के पिछले 6 मंथ्स आई विल से बिकॉज मुझे मेरा फ्यूचर वाला कार्ड नज़र आ रहा है, तो पास्ट के 6 मंथ्स में ये जो पूरा स्कैम था ना ये बाहर निकल के आया, ठीक है ना। और इमीडिएटली ये लोगों ने क्या किया, ये आपके ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे, ठीक है, एंड आप लिटरली इनकी एनर्जी को अब रीडायरेक्ट करने लगे हो। इट्स अ ऑन गोइंग थिंग फॉर यू गाइस। आप लिटरली अपना सच बोलोगे एंड सेइंग कि कैसे चूतिया लोग हो तुम लोग, ना लाइक सीरियसली कैसा चूतिया दोस्त हो तुम मेरे। हाँ, जब ये तुम्हारे साथ ये घटना घटने वाली थी मैंने मना किया था, मैं एक लौता था या एक लौती थी जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं वॉर्न किया था तुम्हें कि तुम्हें नहीं करना है, कोई रीज़न था राइट कि मैंने मना कर दिया, आगे से मैंने मना कर दिया तो उसके पीछे कोई रीज़न था, पर तुमने वो रीज़न जानना ज़रूरी नहीं समझा। पूरा वक्त तुम्हें लगा जैसे मैं जेलिस हो रहा हूँ, ठीक है, मैं लालची हुए जा रहा हूँ, मैं अफसोस में हूँ एंड ऑल दैट रबिश, पर मैं यहाँ पर बहुत खुश था। और अब जब तुम लोगों को खुद की बेवकूफ़ी का रिजल्ट तुम लोगों को मिल रहा है तब भी तुम गुस्सा मेरे ऊपर उतारना चाहते हो। अगर गुस्सा उतारना ही है ना तो अपने गुस्से को उस आदमी के या उस औरत के तरफ डायरेक्ट करो जिसने तुम्हें ठगा है, मेरे तरफ नहीं,
जो पूरा वक्त तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी या कोशिश कर रहा था। अगर तुम्हें अपने खुद के स्टूपिडिटी की रियलिटी, खुद अपना चेहरा आईने में देखना अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक्सेप्ट करने के लिए इट्स लाइक अगर तुम लोग को खुद ही, तुम लोग का ईगो बीच में आ रहा है और ये बात खुद ही तुम लोग एक्सेप्ट करने से चूक रहे हो कि हाँ तुमसे गलती हुई है, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर, ठीक है, या एज अ लवर, वट एवर इट इज, जो भी आप रिलेशनशिप उनके साथ शेयर कर रहे थे, आपने अपना रिश्ता निभाया हुआ भाई बहन का, वट या सो आई वॉज सेइंग सॉरी, अचानक से यहाँ पर कुछ बच्चे आ गए एंड फूल इज एकदम से एक्साइटेड हो गए, ठीक है। सो इट्स लाइक आप लिटरली इन लोगों को कहोगे कि मेरे ऊपर गुस्सा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है बस, ठीक है ना, क्योंकि मैं इकलौता था या इकलौती थी जो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था या को कर रही थी, ठीक है। अगर सज़ा सुनानी है तो जिसने एक्चुअली तुम्हें ठगा है ना, उनके ऊपर गुस्सा उतारो। अगर तुम लोग का ये ईगो बीच में आ जाता है ना कि तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि तुमसे गलती हुई है, कि यू नो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम एक माफ़ी तक नहीं मांग सकते और इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि तुमने मुझे जज किया, ठीक है, और वो भी बहुत गलत तरीके से जज किया और इसके वजह से हमारी दोस्ती टूटी या हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, ठीक है, एक सेकंड के लिए तुम ये तक देखने के लिए तुम लोग तैयार नहीं हो कि हमारे रिश्ते के ऊपर या मेरे ऊपर भरोसा नहीं करने के वजह से, मेरी बात नहीं मानने के वजह से मेरे ऊपर उस वक्त क्या गुजरी थी। तुम्हें तो लगा था कि तुमने जो भी जिसे भी चुना है, जो भी सिचुएशन आप लोगों ने चुना है, वो बहुत बेहतरीन था। मैं जो पीछे छूट रहा था और मैं अकेला पड़ रहा था, मैं आपको, आप लोगों को या हमारे रिश्ते को यहाँ पर मैं जो खो रहा था, और पूरा वक्त कहीं ना कहीं मैं जानता था, मुझे ये डर सता रहा था कि आगे चल के आप गिरोगे, इतनी सारी कोशिशें जो मैं की थी या किया था आपको बचाने का, आप इसे देखना नहीं चाहते। सो लिटरली आपका ये जो सच है ना, ये इन लोगों को हिला करके रख देने वाला है, ठीक है ना। इट्स लाइक या तो जिसने आपके साथ चुतियापा किया जा करके उसे सजा दो, कोर्ट में घसीटना है, मारना है, पीटना है, इल्ज़ाम लगाने हैं, जो करना है उनके साथ करो, जो आपका पैसा लूट के भागा है, आपका भरोसा तोड़ा है, उनके पास जाओ, जो करना है वहाँ पर करो, ठीक है, या फिर मेरे सामने बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि मैंने अपने हिस्से का जो रिश्ता है वो मैंने निभाया। बस देखा जाए तो आपके साथ, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके साथ भी यहाँ पर गलत हुआ है, क्योंकि इन्हें अपने रिश्ते को, रिश्ते के लिए या जो भी रिलेशनशिप आप लोग शेयर करते हो उसके नाते उन्हें एक बार तो आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए था। आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो उन्हें एक बार तो रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए था, उन्हें थोड़ा तो आपके ऊपर भरोसा शो करना चाहिए था, बट द फैक्ट कि उन्होंने आप पर भरोसा किया ही नहीं, उल्टा आपके ऊपर ही उंगली उठा दी, आपकी बदनामी कर दी, तो पूरा वक्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा तो आपको आना चाहिए था, क्योंकि रिश्ता भी आपने खोया और आप उन्हें बचाने की कोशिश में आपने अपनी कहीं ना कहीं इज्जत भी खोई है, क्योंकि आप जिसे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों ने आपको हर्ट किया, उन्हें जिन्होंने हर्ट किया है वो पढ़ाया था या पढ़ाई थी, बाहर से आए थे, लालच दिया, उलझाया, जो लूटना था लूट के चले गए, पर ये लोग तो आपके अपने थे ना और आप इनके अपने थे, तो इस थर्ड पार्टी एनर्जी के आने की वजह से आप लोगों के बीच में जो एक जंग छिड़ चुका था, जो आपके रिलेशनशिप में एक दरार पड़ चुका था, तकलीफ तो आपको हुई है ना।
सो आप लिटरली उन्हें ये रियलिटी चेक दोगे। इनमें से कुछ लोग आपसे माफ़ी भी मांगेंगे इस रियलिटी चेक के बाद, पर ज़्यादातर लोग दूर से सुन के ही ना लुप्त हो जाएंगे और वो कभी आपसे माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनका ईगो आपको आपके आगे उन्हें आने नहीं देंगे। तो इट्स लाइक पकड़ लो, अगर आप 10 लोग थे एक ग्रुप में, फैमिली यूनिट बोलो, फ्रेंड्स यूनिट बोलो, व्हाटएवर, ठीक है ना, या फिर पकड़ लो ये आपका एक्स ही था, ठीक है ना, वो आपके किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को आपके पास भेज दे और ये उनका होकर अपना गुस्सा आपके ऊपर जाहिर करने की कोशिश करता है एंड आप उन्हें एक रियलिटी चेक देते हो और ये जा करके अपने बाकी के दोस्तों को या आपके एक्स को, ठीक है, आपके बाकी के फैमिली मेम्बर्स को जा करके बताते कि उसने एक्चुअली ये सारी बात कही। तो आपने जो एक रियलिटी चेक दिया है कि जो गुस्सा है सही जगह पर दिखाओ, मेरे पीछे ना आओ, अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है तो जस्ट फक ऑफ। तो इससे क्या होगा ना, कुछ लोग सामने से आपकी बातें सुनेंगे और कुछ लोग जिनका ईगो ज़्यादा बड़ा है वो दूर से ही बैठ के अपने कदम पीछे हटा लेंगे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो आपसे माफ़ी मांग सके। अब ये लोग आपसे उम्र में बड़े हो सकते या प्रॉब्ली दिस वर द वंस जिसने सबसे ज़्यादा आपकी बदनामी की है या सबसे ज़्यादा बकवास किया था या जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको अंडरएस्टिमेट किया था, वो प्रॉब्ली फील भी कर सकते हैं कि वो आपसे, बिकॉज वो प्रॉब्ली उम्र में आपसे बड़े हैं, ठीक है ना, तो उनका ओहदा भी बड़ा है एंड आप छोटे हो, आपको उसी के जगह रहना चाहिए था। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक पंचिंग बैग की तरह वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, बट द थिंग कि आप पंचिंग बैग बनने से इनकार कर देते हो, सेम कि एक तो तुम लोगों ने बात सुनी नहीं, चुतियापा किया, खुद के साथ होने दिया, अब गुस्सा भी मेरे ऊपर दिखाओगे। द फैक्ट कि आप एक बॉम्ब बन के फटोगे या आप ऑलरेडी फट चुके हो, इट इज़ गोना कीप अ लॉट ऑफ योर एनिमीज अवे फ्रॉम यू, क्योंकि अब ये लोग एक्चुअली जाने अनजाने में आपके एनिमीज बन चुके हैं एंड आपकी तो आँखें खुल गई है इस नए अनजान इंसान ने जो ऑफर लेकर के आया था, यू नो एंजल के रूप में जो शैतान था, इसने एक्चुअली आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया था, आपको आपके आसपास अपनों के रूप में जो रियल एनिमीज थे ना आपके, वो उनका खुलासा कर दिया एंड हालांकि आपने उस पर्सन की ऑफर आपने एक्सेप्ट किया नहीं, बट आई रियली फेल्ट द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके दिन में इस स्ट्रेंजर के लिए कि तुम आए तो थे मुझे ठगने के लिए और तुमने ऑलमोस्ट मेरे सारे घर वालों को या फ्रेंड्स को या मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जो भी है तुमने उसे अपने साथ उलझा ही लिया, बट साथ में तुमने जो सच्चाई मुझे दिखाई है ना वो प्राइसलेस था। तुमने सबकी असली चेहरा मुझे दिखा दिया एंड आई बी ग्रेटफुल टू दैट। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।